सोसाइटी में बढ़ते कंपटीशन के चलते नंबर वन आने की दौड़ में दुनिया भर में ऐसी ड्रग्स या सब्सटेंसेस का यूज बढ़ गया है। इंसान की कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी, मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, मोटिवेशन कई गुना तक बढ़ा देते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को नूट्रोपिक्स, स्मार्ट ड्रग्स, कॉग्निटिव एनहांसर या इंटेलिजेंट एनहांसर कहा जाता है। कहना है कमाल का टॉपिक है, कमाल की होने वाली है ये वीडियो। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नूट्रोपिक्स ऐसे नेचुरली सिंथेटिक सब्सटेंसेस जिनसे आप अपने ब्रेन को हैक करके अपने दिमाग की शक्ति यानी पावर को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। और ब्रेन को हैक करने के इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोहैकिंग। और जो लोग भी नूट्रोपिक्स या स्मार्ट ड्रग्स का यूज करते हैं उन्हें कहा जाता है बायोहैकर्स। हालांकि स्मार्ट ड्रग्स नॉर्मल इंसान के बीच अभी इतने फेमस नहीं है और वाइडली एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स, हाई परफॉर्मेंस लोगों के द्वारा ही इनका यूज किया जाता है। एक बात और, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये सब्सटेंसेस को लिमिटलेस मूवी के NGT48 नहीं है, जिसे लेने के बाद आप तुरंत एक सुपर इंटेलिजेंस इंसान बन जाओगे। नेचुरल नूट्रोपिक्स सेम उसी तरह वर्क करते हैं जैसे कि प्री और पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर नूट्रोपिक्स के टाइप के बारे में बात करें तो नूट्रोपिक्स तीन टाइप के होते हैं, सिंथेटिक नूट्रोपिक्स, हाइब्रिड नूट्रोपिक्स और नेचुरल नूट्रोपिक्स। सिंथेटिक नूट्रोपिक्स लैब में प्रिपेयर की गई वो सब्सटेंसेस होते हैं, यूं कहिए कि ड्रग्स होते हैं, जो कुछ टाइम के लिए आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इन्हें लेने के बाद नींद आने का तो सवाल ही उठता ब्रो, जैसे कि एड्रल, रिटालिन, मोडाफिनिल। मोडाफिनिल दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्मार्ट ड्रग है और एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया में इसे लिमिटलेस पिल भी कहा जाता है। अब इन ड्रग्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनका इफेक्ट्स थोड़े टाइम तक ही रहता है और इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स एक हेल्दी और नॉर्मल इंसान के यूज करने के लिए नहीं होते। असल में ये सारे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं जो स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसे कि नार्कोलेप्सी, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, या ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि वो लोग जो ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। लेकिन जब एक हेल्दी इंसान इन ड्रग्स को यूज करता है तब उस इंसान का कॉन्सेंट्रेशन कुछ घंटों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इंटेंस हो जाता है। इसलिए दुनिया भर के एथलीट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स इन मेडिसिन को एज ए नूट्रोपिक्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड नूट्रोपिक्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो ना तो पूरी तरह सिंथेटिक है और ना ही नेचुरल, जैसे कि एल्थियनाइन। एल्थियनाइन एक अमीनो एसिड है जो ग्रीन टी या ब्लैक टी में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसलिए जनरली लोग एल्थियनाइन के सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं, क्योंकि एल्थियनाइन ब्रेन में अल्फा वेव प्रोड्यूस कर क्रिएटिविटी, मेंटल फोकस, स्लीप, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। एल्थियनाइन को कॉफी के साथ लेने पर ही अटेंशन स्पैन को भी इंक्रीज करता है। एंड आया कमाल का नूट्रोपिक्स। नेक्स्ट है एल्टायरोसिन। एल्टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जो ब्रेन में डोपामाइन हॉर्मोन्स के लेवल को इंक्रीज करता है, बदले में मिलता है कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, क्लैरिटी, मोटिवेशन। नेक्स्ट है 5-HTP, 5-hydroxytryptophan। इस अमीनो एसिड की हेल्प से हमारा ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, जो इंप्रूव करता है मेंटल फोकस, मूड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, लर्निंग एबिलिटी, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है गाबा। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल मैसेंजर है जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये हेल्प करता है बेटर कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, क्लैरिटी और लीन मसल्स ग्रोथ में। इसीलिए गाबा सप्लीमेंट्स का यूज लोग एज नूट्रोपिक्स भी करते हैं। नेक्स्ट है अल्फा जीपीसी। अल्फा जीपीसी बॉडी में ग्रोथ हॉर्मोन्स, लर्निंग, थिंकिंग स्किल्स, मेमोरी को इम्प्रूव करता है। ये सारे सब्सटेंसेस वाइडली एज नूट्रोपिक्स यूज किए जाते हैं। अब सिंथेटिक नूट्रोपिक्स की तरह इन्हें कंज्यूम करने के बाद आपको 5 घंटे के लिए पावरफुल कॉन्सेंट्रेशन और क्रिएटिविटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जब ये इंग्रेडिएंट्स एक साथ यूज किए जाते हैं तब इनका इफेक्ट्स कई गुना बढ़ जाता है। इसमें कंपनीज ने इन इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड नूट्रोपिक्स तैयार किए हैं, जैसे कि अल्फा ब्रेन, ऑप्टीमाइंड, माइलेप्रो, ये कुछ फेमस नूट्रोपिक्स कंपनीज हैं। लेकिन इन कंपनीज के स्मार्ट ड्रग्स बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। इंडिया में आप इन सब्सटेंसेस को केवल सेपरेटली बाय कर सकते हैं। और हाँ, मैंने बहुत सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो प्लीज अपनी रिसर्च के लिए एक बार उन्हें जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट है नेचुरल नूट्रोपिक्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से मेंटल परफॉर्मेंस यानी दिमाग की शक्ति को बढ़ाते हैं, जैसे कि जिनसेंग, गुडूशी, बाकोपा मोनियरी, लाइन वेन मशरूम, रोडिला रोजिया, जिंको ब्लोबा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे नूट्रोपिक्स नेचुरल है और बहुत पावरफुल भी। नेचुरल नूट्रोपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल नूट्रोपिक्स है बाकोपा मोनियरी, जिसे आयुर्वेद में ब्राह्मी के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मी शब्द आया है लॉर्ड ब्रह्मा से, यानी कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इसलिए आयुर्वेद में इसे ब्रह्मा की शक्ति भी कहा गया है। संस्कृत में से सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग, सोमावती, कंटेनिंग सोमा एंड नेक्टर यानी कि अमृत, इंद्रावली, एनर्जी ऑफ इंद्र जैसे नामों से जाना जाता है। और इंग्लिश में हर्ब ऑफ ग्रेस, वाओ है ना कमाल की हर्ब। और अगर आयुर्वेद की भाषा में ही बात करें तो ब्राह्मी मेध्या, इंटेलेक्ट, आयुष्य, लॉन्जिविटी, रसायन, रेजुविनेशन, पचना शक्ति वर्धना, इंटेलेक्चुअल पावर, मज्जति रसायना, नर्वस सिस्टम रेजुविनेशन, जीवन या लाइफ एनर्जी आदि को बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू योगी, ब्राह्मी चक्रा को साफ कर सबसे इम्पोर्टेंट चक्रा सहरसा चक्रा को ओपन करने में हेल्प करती है, इसलिए आयुर्वेद में ब्राह्मी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल्स, हिमालय में रहने वाले योगीज भी ब्राह्मी का सेवन करते हैं। अब अगर साइंस की माने तो ब्राह्मी हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जैसे कि लर्निंग, रीडिंग, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी फॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा
स्पेक्ट्रा को बढ़ाती है। ब्राह्मी हमारे ब्रेन में काइनेज एंड TPH2 जैसे एंजाइम जो ब्रेन में फास्ट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें इंक्रीज करता है। सो टू कंक्लूड, ब्राह्मी एक इफेक्टिव एंड बहुत ही पावरफुल हर्ब है। लेकिन बाकी आयुर्वेदिक हर्ब की तरह ब्राह्मी का असर भी लगभग 12 हफ्ते यानी कि 3 मंथ्स के बाद ही मालूम पड़ता है। एक बात और, ब्राह्मी की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने और वाता प्रॉपर्टी को कम करने के लिए इसे घी यानी कि क्लेरिफाइड बटर के साथ ही कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट है जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा चाइनीज मेडिसिन में कई सौ सालों से यूज हो रहा है। ये इतनी पुरानी हर्ब है कि इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग को फुल पोटेंशियल में काम करने के लिए बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। नेक्स्ट है रहोडिला रोजिया। रहोडिला रोजिया के वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। इनके अलावा और भी काफी सारे न्यूट्रोपिक्स हैं जैसे कि लॉयन मेन मशरूम, जिनसेंग, जिनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उन्हें वहां से चेक कर सकते हैं। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ ऐसे किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।